A very good morning to all of you guys. Welcome back once again to the session of government schemes. I hope आपको कल का session अच्छा लगा. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में पढ़ा था हमने. And in today's session, I will bring to you another very important and a very recent scheme जो कि पिछले साल लॉन्च की गई थी in the year 2019. The name of the scheme is प्रधानमंत्री कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. बस आपको नाम याद करना है इस स्कीम का. आपने एक बार नाम याद कर लिया तो सारा चीजें याद हो जाएंगी आपको इस स्कीम की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. बट गाइस, बिफोर वी बिगिन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड आल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्विज. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जल्दी से, फटाफट से, और डेली क्विज का मजा उठाओ. सो द नेम ऑफ द स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. ओके, बस नाम याद कर लोगे ये स्कीम के सारे प्रोविजन याद हो जाएंगे. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड द थिंग्स दैट वी कैन डू एफर्टलेसली. बहुत आराम से जो चीजें कर सकते हैं जिसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव. सो देर आर थ्री थिंग्स. वन इज किसान, विच मीन्स दैट द स्कीम इज फॉर फार्मर्स. ये बात तो क्लियर होगी दैट द स्कीम इज फॉर फार्मर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऊर्जा सुरक्षा. ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी. ऊर्जा मीन्स वॉट? एनर्जी. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ उत्थान? उत्थान मीन्स अपलिफ्टमेंट. ओके, सो बेसिकली ये जो स्कीम है ये किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए है और साथ ही साथ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है. अब अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? अपलिफ्टमेंट होगा बाय इंक्रीजिंग द इनकम, जो इनकम के सोर्सेज है उनको इंक्रीज करके. ओके, वन थिंग सेकेंड गाइस. यस, सो जो इनकम के सोर्सेज है उनको इंक्रीज करके उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सकेगी. ठीक है, इसके अलावा एनर्जी के लिए क्या करेंगे? अब देखो, एनर्जी का वर्ड आजकल कहीं पे भी आए तो आपका दिमाग सीधे एक ही जगह पे जाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, सो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की मदद से जो किसान है उनका जो है इनकम इंक्रीज किया जाएगा. दिस इज अबाउट द स्कीम. ओके, बेसिकली क्या है इस स्कीम में, जो फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी. दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ओके, अब ये जो एनर्जी के सोर्सेज है इसमें क्या क्या होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसानों की मदद की जाएगी ताकि वो सोलर पैनल्स लगा सके, उनको सब्सिडाइज रेट पर सोलर पैनल्स लगाने में मदद किया जाएगा. जो उनके एग्रीकल्चरल पंप्स होते हैं वो भी सोलर पावर्ड होंगे और उसके लिए भी उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो इस तरीके से उनको एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि उनके इनकम में इजाफा होगा. ठीक है, अब इनकम में इजाफा कैसे होगा? ऑब्वियसली गाइस, जब वो सोलर पैनल लगाएंगे तो उससे बिजली जनरेट होगी. ओके, जब बिजली जनरेट होगी तो क्या वो सारी बिजली यूज कर लेगा? नहीं, कुछ तो बिजली बचेगी. तो जो बिजली बचेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, वो उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल आउट कर पाएगा टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, टू द डिस्कॉम्स. ओके, एंड जो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप होगा, तो क्योंकि वो सोलर पावर होगा, सोलर पावर्ड होगा, तो उसमें जो उसका डीजल लगता था उससे पहले उसका खर्चा बचेगा. ऑलराइट, सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर. सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. नाउ लेट्स रीड आउट द ऑब्जेक्टिव इन ब्रीफ. सो इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, providing reliable source for irrigation and de-dieselize the farm sector. So as I told you, reliable sources of irrigation मतलब जो agricultural pumps हैं उनको solar powered कर दिया जाएगा, and de-dieselize the farm sector, सारी बात, सारी चीजें जो भी होंगी वो renewable energy की होंगी, solar energy की होंगी. Okay, and the scheme aims to add solar and renewable energy capacity of 25,750 megawatt by the year 2022. इस स्कीम से गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो गवर्नमेंट का टोटल प्लान क्या है, 175 गीगावाट बाय द 2022. सो अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट एकदम से 175 गीगावाट अटेन कर लेगी. सो छोटी छोटी स्कीम्स के थ्रू, छोटे छोटे टारगेट्स के थ्रू उस बड़े टारगेट को अचीव करने का प्लान है. सो थ्रू दिस स्कीम 25,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टू बी अचीव बाय द 2022. एंड गाइस, मिनिस्ट्री इज वेरी मच क्लियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है. कुछ लोग ये सोचेंगे दैट दिस स्कीम इज अबाउट द फार्मर्स. सो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. बट नो, हियर द मिनिस्ट्री इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज वी आर, जो इस स्कीम का जो बेसिक एसेंस है वो इसमें है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है. जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमें उसको बढ़ाना है, इसका जो मेन एसेंस है वो ये है. सो इसलिए द स्कीम इज लॉन्च बाय द इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी which is headed by this handsome Mr. R.K. Singh. His Lok Sabha constituency is Ara in Bihar. Okay, so guys, that was about the things that you have, that you can do effortlessly. Now the things to remember.
launch year, it was launched in the year 2019, and the total central funding is how much rupees? 34,422 crores total funding provide कराया जाएगा by the central government. And guys, there are three components. इसके अंदर तीन components है, component A, B and C. So under component A, 10,000 megawatt of decentralized ground mounted grid connected renewable power plants बनाए जाएंगे. छोटे छोटे रिन्यूएबल पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने तक के 10,000 मेगावाट के, ओके, जिससे पैदा होने वाली एनर्जी को फार्मर्स बाद में बेच सकेंगे. कंपोनेंट बी में इंस्टॉलेशन ऑफ 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स, ओके, जो पंप्स है उनको सोलर पावर्ड किया जाएगा, और कितने पंप्स बनाए जाएंगे 17.50 लाख. एंड कंपोनेंट सी, सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स ऑफ इंडिविजुअल पंप कैपेसिटी ऑफ 7.5 हॉर्स पावर, ओके. सो बेसिकली 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप बनाए जाएंगे. सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम. अगर आपको ये डेटा याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्स, ओके. बट यस, अगर आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं कभी भी कहीं से भी. एंड द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जितनी भी स्टेट नोडल एजेंसीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल कोऑर्डिनेट विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज एंड दे विल इम्प्लीमेंट द स्कीम अकॉर्डिंगली. एंड दीज आर द बेनिफिट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक तो यह है कि फार्मर्स कैन सेल द रिन्यूएबल पावर जनरेटेड टू द डिस्कॉम्स. जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो डिस्कॉम्स को बेच सकते हैं. इसके अलावा जो बी और सी कंपोनेंट है, जो गवर्नमेंट है उसमें 60% का सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी. जो भी इक्विपमेंट की जो भी कॉस्ट होगी उस पर 60% की सब्सिडी होगी गवर्नमेंट की. एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो 60% है 30% फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल 30% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ओके. और जो बाकी बच गए 40%, उसमें से भी 30% जो है वो बैंक लोन देगा. तो फार्मर को अपनी जेब से केवल कितना भरना है, 10% भरना है, सिर्फ 10%, ओके. So these are the benefits that can that will be provided to the farmers under the scheme Pradhan Mantri Kusum, okay. And now guys, let's move on to the questions that can be asked in your exam. I hope the scheme is clear and there are no doubts. So is scheme mein agar aapko doubt ho to please comment karke zarur puchiyega. Now let's talk about the questions. So how much renewable capacity is targeted to be generated under PM Kusum? Kitni रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है? सो गाइस द टारगेट इज हाउ मच, 25,750 मेगावाट बाय द ईयर 2022, ओके. क्वेश्चन नंबर टू इज, हाउ मच परसेंट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर पीएम कुसुम? कितना सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाता है? सो 30% फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड एंड 30% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट साइड. सो टोटल इट इज 60%, ओके. एंड द क्वेश्चन नंबर थ्री, under component B, how many standalone solar powered agriculture pumps will be installed? कितने solar powered agriculture pump install किए जाएंगे? So the correct answer to this question guys is 17.50 lakhs. And question number 4, which ministry is implementing the PM Kusum scheme? मैं फिर से बता रहा हूँ, उसमें confused नहीं होना है. इस scheme का जो basic essence है that is about the renewable energy generation, not about the फार्मर्स. यस, इट इज अबाउट द फार्मर्स, बट जो इसका मेन एसेंस है, फार्मर्स को भी ये किस तरीके से मदद कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग देयर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके. सो देयरफॉर दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च? इट वॉज लॉन्च रिसेंटली इन द ईयर 2019, ओके. 2019 में इसको लॉन्च किया गया है by the government of India. And that's it for the session guys. I hope you like it. आपको ये दोनों schemes ठीक लगे. अब मिलेंगे अगले हफ्ते Saturday Sunday दो नई government scheme के साथ. Thank you so much for watching. Till then keep watching anujindal.in. Goodbye, take care and God bless.